और चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के डीपीएमआई इंस्टीट्यूट के सभागार में सुप्रसिद्ध उत्तराखंडी फिल्म मेरुगो के सभी कलाकारों का एवं उनकी टीम की लोगों के लिए अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। पलायन के मुद्दे पर आधारित मेरुगो फिल्म को दर्शकों के बीच में एक अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और दर्शक फिल्म को देखने के बाद फिल्म निर्माता, निर्देशक और कलाकारों की प्रशंसा भी करते हुए नजर आए। वहीं फिल्म का गीत संगीत दर्शकों पर काफी प्रभाव डाल रहा है। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने सभी कलाकारों का अभिनंदन किया गया और साथ ही फिल्म के हर पहलू की सराहना भी हुई। डॉक्टर विनोद बछेती ने कहा कि फिल्म की थीम बहुत सशक्त है और इससे उत्तराखंडी फिल्मों को एक नया माहौल मिला है, साथ ही फिल्म जगत में नए अवसर मिलेंगे। इस अवसर पर आयोजन में उत्तराखंड के कलाकार, रंगकर्मी, समाजसेवी, कवि और लेखक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। समारोह में प्रबुद्ध लोगों ने फिल्म मेरुगो को लेकर अपने अपने विचार भी रखे। साथ ही दिल्ली में मेरुगो के कलाकारों का स्वागत सफल रहा और पलायन के मुद्दे पर आधारित मेरुगो फिल्म अभी काफी प्रभावशाली रही है। ये फिल्म उत्तराखंड के मर्दे गांव की कहानी है और वहां से शुरू होती है जब वो गांव जिंदा थे और खेतों से लेके घरों में, घरों में रौनक थी, वहां से लेके आज के उस दौर में जब गांव मर चुके हैं उसकी कहानी है। इसके अलावा कई ऐसे पॉलिटिकल इश्यूज हैं उत्तराखंड के जिसके लिए स्टेट बना लेकिन वहां से खिसकता जा रहा है और इसमें इसके प्रोड्यूसर राकेश गौड़ हैं और वही उसके मुख्य अभिनेता भी है राकेश गौड़। इसके अलावा मदन डुबलाल हैं, गोकुल पवार हैं, गंभीर जाड़ा हैं, अजय बिस्सी हैं, रमेश रावत जी हैं, रमेश ठकरियाल जी हैं और गिरधारी जी हैं, अपने निशा भंडारी हैं, गीता उनियाल है, विकास उनियाल है, बहुत सारे